बात 1975 से 1977 की है, जब देश भर में जल आंदोलन हो रहे थे। उसी इमरजेंसी के दौरान और बाद में सियासी अस्थिरता के ज्वार भाटे में आगे बढ़ते हुए कई छात्र और युवा नेताओं ने राजनीति में अपने पैर जमाने सीखे। गुजरात का एक युवा जिसकी अब तक आरएसएस के सदस्य के तौर पर कोई विशेष राजनीतिक पहचान नहीं थी, उसने पहली बार पब्लिक राजनीति में कदम रखा था। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो लगातार राजनीति के भंवर में आगे बढ़ते हुए अपनी काबिलियत साबित करने में लगे रहे। उनकी ये मेहनत रंग लाई 1995 में, जब गुजरात में भाजपा की सरकार बनी और सीएम केशुभाई के दाहिने हाथ बने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को केंद्रीय नेतृत्व ने 1987 में गुजरात बीजेपी का संगठन सचिव बनाया। 1988 से 1995 तक गुजरात में भाजपा सरकार बनाने के पीछे मोदी की बहुत कोशिशें थीं, लेकिन नरेंद्र मोदी का यह बढ़ता कद उस वक्त के कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला को फूटी आंख नहीं सुहाया। लंबे समय तक राजनीतिक गोटियां खेलने के बाद भी वो भाजपा सरकार में ना तो नंबर एक बन पाए थे और ना ही नंबर दो। बस इसी कुंठा में शंकर सिंह वाघेला ने सितंबर 1995 में 47 विधायकों के साथ विद्रोह कर दिया। गुजरात के सीएम केशुभाई इन्वेस्टर खोजने के लिए उन दिनों विदेश गए हुए थे। उस वक्त केंद्रीय स्तर पर पार्टी को लीड कर रहे आडवाणी ने तुरंत अपने दूत भेजे, लेकिन मामला ठंडा ना पड़ सका। खबरें आने लगी कि गुजरात भाजपा के जनरल सेक्रेटरी के पद से नरेंद्र मोदी को हटाया जाएगा और शंकर सिंह वाघेला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उधर इस तरह की खबरों के चलते मोदी के समर्थकों ने भी हंगामा मचा दिया। फैसला ये हुआ कि केशुभाई को हटाकर वाघेला पक्ष के सुरेश मेहता को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और शंकर सिंह वाघेला राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। गुजरात से मोदी को दिल्ली भेज दिया गया, जहां उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता का पद संभाला। प्रवक्ता के तौर पर उनकी भाषण कला और हाजिर जवाबी और निखरी, साथ ही उन्होंने दिल्ली में रहकर पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। वो दिल्ली में थे तो जरूर, मगर उनका मन अहमदाबाद में ही बसा रहा और आखिर वो दिन भी आया जब उनका वनवास खत्म हुआ। दिल्ली में रहते हुए पार्टी ने उनकी कुशलता को करीब से देखा और 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने सफलता की ऐसी कहानी लिखनी शुरू की, वो हर परीक्षा में खरे उतरते चले गए और 2014 में पीएम पद की कुर्सी भी पाई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।